डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, पूजा जरा थोड़ा थोड़ा जरा आप समझाइए। अब तो 24 घंटे हो गए राहुल गांधी को रायबरेली से नामांकन किए हुए, आज जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी रणनीति क्या है, थोड़ा समझाइए जरा क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की और ये और कौन सी चालें आना बाकी है। चालें तो खुलेंगी मानक जी, पर जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है, जनकवि नागार्जुन हुए थे, उन्होंने कहा था कि बड़े काम के लिए रणनीति बड़ी होनी चाहिए, शूद्र महारथियों से लड़ने से बेहतर है कि अपना अखाड़ा बदल दिया जाए। आप स्मृति ईरानी जी को याद करिए, रिलेवेंस की बात हो रही है, संसद में उन्होंने ये आरोप लगाया था, ये गलत आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया था, पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने। स्मृति ईरानी जी 2019 में जीती हैं, बिल्कुल उसके लिए उनको बधाई की पात्र है, 55,000 वोटों से जीती हैं, बिल्कुल बधाई की पात्र है। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल में क्या हुआ, मैंने राहुल गांधी को हराया, क्या राहुल गांधी यहाँ गांधी परिवार से कोई चाटका नहीं आता था, क्या आपको राशन मिलता था? स्मृति ईरानी ने अपना पूरा पॉलिटिकल रेलेवेंस राहुल गांधी के अराउंड बना लिया। तो जब गरिमाहीन व्यक्ति से लड़ाई हो, जब शूद्र धन बल हो, जब पशु बल हो, जब संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के सामने घुटने टेक दी गई हो, तब और आपको चुनने की आजादी हो, तो आपको प्रतिद्वंदी को बदलना भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है मानव जी। आज आप ये पूरा मीडिया आज बात होनी चाहिए कि बेहोशा बेरोजगारी क्यों है, आज बात होनी चाहिए कि कमर तोड़ महंगाई क्यों है, महिला सुरक्षा पर इनकी रिपोर्ट बिल्कुल निलबटे सन्नाटा है, लेकिन इसको ये बना देना चाहते थे स्मृति बनाम राहुल रिवेंज लड़ाई, जिसको हमने राहुल जी जिन्होंने रायबरेली को चुनकर इसे बिल्कुल ही नगण्य घोषित कर दी। तो ये है थी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। अब स्मृति ईरानी जी, केएल शर्मा जी जो हमारे हैं, अभी आलोक जी भी उनकी बात कर रहे थे, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, 40 साल में हमने उन्हें किसी ने केयर टेकर नहीं खाया, पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा, वो समर्पित कार्यकर्ता है, 40 साल से अमेठी में रह रहे हैं, हमने उन्हें एक यूनियन मिनिस्टर, और वो ऐसी मिनिस्टर है जो चाहे प्रज्वल रेवन्ना केस हो कुछ नहीं कहती, अंकिता भंडारी पर रिपोर्टर के पूछते हैं वो भाग खड़ी होती है, मणिपुर पे कुछ नहीं कहती, ये वो महिला है जो हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, पर इनका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने राहुल गांधी को हराया है। तो ये जो मैंने राहुल गांधी को हराया का जो प्लग खींच लिया गया है, तो अब ये केएल शर्मा जी से लड़े, और केएल शर्मा जी अमेठी के गांव गांव को, अमेठी की गली गली को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक व्यक्ति को जानते। जहां तक अभी अजय आलोक जी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, भाजपा की 417 लिस्ट में 116 लोग वो हैं जो पार्टी बदल कर आए, तो आपका कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए, और डरो मत और भागो मत की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आप बताइए, आपने कश्मीर की 3 सीटों पे अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? आपको तो कश्मीर में तो राम राज्य हो जाना चाहिए था, अभी तक आपको तो बिल्कुल खुले छाती तोड़ के लड़ना चाहिए था, पर नहीं, आपने वहां पे प्रभु नहीं कर रहे। आपका पूरा जो पूरा का साजिश थी वो थी कि आप इसे व्यक्ति बनाओ व्यक्ति बना दे, हम इसे व्यक्ति बनाओ व्यक्ति लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम अखाड़ा चुनेंगे, हम प्रतिद्वंदी चुनेंगे, और हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, यही है मास्टर स्ट्रोक। और जहां तक और पत्ते खुलने की बात है, धीरे धीरे खुलने दीजिए मनोज जी। ओके ओके, अजय आलोक बोलिए आप, और यहीं से जवाब दीजिए। कल सीनियर जर्नलिस्ट है विनोद शर्मा, वो भी ट्विटर पर मुझे टैग करके मुझसे पूछ रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता से जब आप बात करें तो पूछिएगा कश्मीर की 3 सीटों पर वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों वहां से भाग गए। यहीं से शुरू करिए अजय आलोक। बिल्कुल यहीं से शुरू करता हूं, जम्मू कश्मीर के सीटों पर हम क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 417 पे तो हम लड़ रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगा ही, इसलिए हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि हम भाग गए कश्मीर से, हम कश्मीर में नहीं लड़ रहे हैं, कश्मीर को हम ही ने बनाया है, कश्मीर को हम ही बनाएंगे, और कश्मीर को हम ही ने सुधारा है और हम ही सुधारेंगे। लेकिन अभी मैं पूजा जी की दो बातों से, ठीक है पूजा त्रिपाठी जी हैं, ब्राह्मण वर्ग से आती हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार 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 जो इन्होंने ये कहा है कि शूद्र महारथियों से नहीं लड़ना चाहिए, अखाड़ा बदल देना चाहिए, इस देश के शूद्रों का अपमान न करें। कांग्रेस की मानसिकता में है दलितों का अपमान करना, शूद्रों का अपमान करना, लेकिन चैनल पे अभी आपने लगातार शूद्र शूद्र का शब्द का इस्तेमाल किया, ये करने से बचिए, आप प्रवक्ता हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आपकी आपकी पार्टी की मानसिकता है, लेकिन इसको कहिए मत, आप अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। जाके शूद्रों से वोट लीजिएगा जरा अमेठी रायबरेली में, देंगे आपको वोट, आपको वोट मिलेगा अमेठी रायबरेली में शूद्रों का, लीजिएगा ना। अजय वन सेकंड, अजय 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 वन सेकंड वन सेकंड एक सेकंड, ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। अजय आलोक वन सेकंड, अजय अजय वन सेकंड वन सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिएगा एक मिनट, अजय अजय वन सेकंड, पूजा आप क्या कह रही हैं, आप क्या कह रही थी, आपने शूद्र नहीं कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा शूद्र नहीं कहा मैंने, आप अच्छे से सुन लीजिए, मैंने शूद्र का मतलब है छोटे,
जो महारथी जो अपने को बड़ा कहते हैं, तो आप ये ध्यान से सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने सिंपल से, आपने कश्मीर को बनाया, आपने कश्मीर को संवारा है, आप, तो आप कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे? बात ये है, आप इसे जातिवादी जवाब नहीं होता है, आप जानबूझ के अपमानित करते हो। सेल्फ गोल करने की आदत है कांग्रेसियों को, कुछ और नहीं है, सेल्फ गोल करने की आदत है, आप करते रहिए सेल्फ गोल, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि अपमानित किसी को करने का आपको अधिकार नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, अच्छा ठीक है, ओके ओके, वन सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड अजय, अजय एक सेकंड, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल अजय, जो पूजा त्रिपाठी पूछ रही है, दूसरा सवाल वो ये पूछ रही है, अब ये बताइए स्मृति ईरानी की पहचान अब क्या है, पहले जो थी वो थी, अब उनकी पहचान क्या है? स्मृति ईरानी की पहचान आज से नहीं है, स्मृति ईरानी की पहचान इस देश के घर घर में है, और जब राजनीति में नहीं आई थी तब से उनकी पहचान घर घर में है। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है उनको, बाकी कांग्रेसियों की तरह वो किसी खानदान से नहीं आती हैं। स्मृति ईरानी अपने आप में एक नाम है, स्मृति ईरानी से जो जुड़ता है तो उसका नाम होता है, ठीक है ना। राजनीति में आके भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और पहचान ऐसी बनाई कि शहजादे को घर में घुस के हराया, ठीक है। तो स्मृति ईरानी को पहचान की जरूरत नहीं है, स्मृति ईरानी की क्या पहचान है? जयराम के रमेश के नाम में जय और राम है, और काम सारे रावणों वाले हैं, ऐसे रावण वाले काम किए, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कांग्रेस को बना दिया कि कांग्रेस इस दशा में आ गई। ये सारे कांग्रेसी जानते हैं, जो जो निकल के आए वो बोल भी रहे यहाँ पे, जो वो चुनाव लड़वाते हैं जिन्होंने, अरे नो पर्सनल कमेंट, नहीं कह रहा हूं मैं पर्सनल, बिल्कुल नहीं, नो पर्सनल कमेंट, नो 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 पर्सनल कमेंट, पूजा जरा इसका जवाब दीजिएगा। अजय वन सेकंड, स्मृति ईरानी जी सेल्फ मेड वुमन है, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, पूजा वन सेकंड, पूजा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं पूजा, आप इसको स्ट्रेटजी बताते रहिए, आप कहिए कि हमने देखिए उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस स्मृति ईरानी की खत्म कर दी, और अब उनको किशोरी लाल शर्मा के सामने लड़कर उनकी पहचान भी बिल्कुल उसी लेवल की हो जाएगी। लेकिन ये तो तथ्य है, फैक्ट है, दो बार राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी, एक बार करीब से हारी और दूसरी बार हरा दिया, ये तो उनसे कोई नहीं छीन सकता, अब ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वो हार राहुल गांधी के लिए हार ही रहेगी हमेशा। वो तो मैं कह रही हूँ माना जी कि उन्होंने हराया, और इस बात के लिए स्मृति जी की पूरी इज्जत करती हूँ मैं एक महिला राजनीतिज्ञ होने के नाते, पर स्मृति ईरानी जी अपने को एज अ विनर क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? क्या कोई यहाँ, मैंने आपसे फिर से कहा है, कोई चाट खाने आया, कोई राशन देने आया, गांधी परिवार ये, गांधी परिवार वो, गांधी, आप एक चुनाव जीत कर आई है चुनावी प्रक्रिया में, आप एक विनर की तरह बात ही नहीं करती। दूसरी बात, आप सिर्फ अमेठी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आप इस महिला के, आप इस देश की महिला में बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष हैं, और दूसरी बात आधी आबादी का रिप्रेजेंटेटिव करती हैं, और यह भाजपा और कांग्रेस से परे की बात है। तो जब आप उत्तराखंड पर भाग खड़ी होती हैं, जब आप प्रज्वल रवन्या के इतने गंभीर 2009 से करीबन 86 वीडियोज आते हैं और आप कुछ नहीं कहती, आप बिल्कुल एक शब्द चुप रहती हैं, तब आप इस देश की आधी आबादी को क्या संदेश दे रही हैं? लेकिन आप दूसरे वक्त शुरू कर देंगे कि देखिए राहुल गांधी जी डर के अमेठी से रायबरेली चले गए, ये चले गए। तो मैं कह रही हूँ कि आप अपने मंत्रालय के साथ तो गरिमा रखिए, आप एक विनर की तरह कब बिहेव करेंगी, और यही हमारी स्ट्रेटजी जो मैंने हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओके हर्षवर्धन त्रिपाठी,